आपकी खबर मिली भाई आसिया आ रही है घर तो फिर हमने अपने मैके आ रहे फिर हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हाँ जी हाँ जी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरी बेगम का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं आपको मौसम दिखा देता हूं। आसमान पर बादल बने हुए हैं, तो इधर आप देख सकते हैं आसमान पर बादल बने हुए हैं और बादलों के पीछे आपको सूरज भी नज़र आ रहा होगा, वो भी छुपा हुआ है। इतनी ज़्यादा धूप आज नहीं निकली हुई लेकिन मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, ये चेक कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी हवा भी चली हुई और इधर जामन के ऊपर भाई फल भी लगना शुरू हो गया, बिल्कुल लग चुका है। अब ये इस तरह जामन बनेंगे तो माशाल्लाह ये ऐसे ऐसे बड़े हो रहे हैं, ये चेक करें। ये है जी जामन का फल माशाल्लाह, चेक करें। इस बार बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है जामन के ऊपर, इधर देखिए। और इधर पर नीचे मैं उतर चुका हूँ और मुबशर खड़ा है। हाँ जी आप किधर तैयार होके खड़े हैं? अस घर छोड़ के बैठे पाए हैं। किधर बैठे पाए हो? मां सिंह तंग होए बैठे हैं। नहीं कौन कौन? अम्मी तो मैं बगे बैठे हैं। किधर बैठे पाए? मैंने तो दसो पता तो होवे, चलो मंगलू मैं ढूंढने तो तुहानू आवा। मजाक कर रहा हूँ, घर छोड़ के नहीं जा रहे, असल में हम जा रहे हैं नानों के यहाँ मिलने। असल में बात इस तरह ना, ईद हुई है तो ईद पे हमने जाना था पहले लेकिन नहीं जा पाए। और वैसे भी ना पहले ना नानू लोग चक्कर लगाते थे ईद के यहाँ, लेकिन इस बार उन्होंने चक्कर भी नहीं लगाया। वो बात इस तरह का मामू चलेंगे जी सऊदीया, वो सऊदीया रहते हैं फिर, इसलिए घर में कोई होता नहीं जो इधर ना चक्कर लगाए। तो फिर हमने कहा हम खुद ही चले जाते, जाके मिल भी आते हैं, इंजॉय भी कर लेंगे। मेरे ख्याल में गंदम की भी कटाई शुरू हो चुकी है। और दूसरी बात ये ना, इधर हम फिरते थे गांव में बोर क्योंकि छुट्टी हुई ना, तो कई बार घूमने नहीं गया। ईद के मौके थे, ईद के मौके पर हर कोई घूमने जाता है। चलो यानी कि इसी के बारे में थोड़ा सा घूम भी लोगे और नानी अम्मा से भी मिलके आ जाओ। हाँ जी। फिर मोटरसाइकिल पे जा रहे हो ना? जी जी। तो आराम आराम से जाना है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अभी उधर से होके आएंगे ना, तो और फिर चाचू वसीम का अब प्लान मान रहा है, ईद तो हो गई है ना, अब पता नहीं चाचू कब निकलते हैं टूर पे, बस निकलना ये 5 से 7 दिनों में है। थोड़ा मौसम भी आप देख सकते हैं, बादल वगैरह भी बने हुए हैं, रास्ते में बारिश भी हो सकती है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है, टाइम पे वहाँ पर पहुँचना है। मम्मी जी और मैं, हम दोनों जा रहे हैं नानो लोगों के। तो बाजी को साथ लेकर ही जा रहे हैं? नहीं हम दो ही जा रहे हैं, रोड इस तरह का ना, हमने को इतनी देर वहाँ पे रहना तो नहीं है, बस शाम को आओगे या कल आओगे? कल आएंगे, शाम को तो नहीं आ पाएंगे। अभी देखे ना 11-12 बज गए हैं, तो तकरीबन हम 3 बजे पहुंचेंगे, 1-2 घंटा तो वहाँ पे रुकना भी है, वापस भागे तो रस्ते में देर हो जाएगा। जो मैं ड्राइवर हूँ आपको पता है आगे। हाँ, आराम आराम से चला, ठीक है कल आ जाना। कल नहीं लगे थे और अम्मा जी ने बुला रहे। हाँ जी अम्मा जी बताया क्या काम? हाँ जी मैं हाँ भाई बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है। चलो आप प्रोग्राम कैंसिल कर दे, फिर किसी वक्त चले जाना। एक तो बारिश हो रही है, दूसरी बात इधर भी मेहमान आ रहे हैं, उधर हम चले जाए मेहमान आ रहे हैं, दूसरी बात जा भी नहीं सके, रस्ते में हमने रुक जाना का बारिश हो गई। और दूसरी बात ये कि जहाँ मैंने जाना है नानो लोगों का, वो सारा कच्चा इलाका है, रेतला इलाका है, वहाँ पे बाइक चलनी कोई नहीं है। वो अगर बारिश हो ना हो फिर भी बाइक नहीं चलते, अगर बारिश हो जाए तो फिर किस तरह चलेगी? ये भी बात ठीक है, आज प्रोग्राम कैंसिल कर लें। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर आसमान पर बादल भी देखे, काफी ज्यादा बादल बने हुए हैं, बारिश पर भी रस्ते में आ गई ना, तो फिर इनका मोटरसाइकिल वहाँ फंस जाएगा, क्योंकि ना वो कच्चा इलाका है, चिक्कड़ वगैरह काफी बन जाता है। एडा पक्का ड्राइवर ही नहीं, दुई गाल के चलो फुफू हम पे को खिदमत शिदमत कर लो, ईद मुबारक मेल छेल लिए फुफू नाल, आज का प्रोग्राम कैंसिल करो इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम कल या परसों इंशाल्लाह। इधर मैं आपको मौसम थोड़ा सा दिखा दूं, थोड़ी देर पहले ना बिल्कुल सही था, सूरज भी निकला हुआ था, मौसम ठीक ठाक था, तो अचानक आए इधर से बादल, आते बादलों ने बरसना शुरू कर दिया, हल्की हल्की बारिश हुई, अभी रुक चुकी है, कोई पता नहीं फिर किसी टाइम बारिश जो ना वो शुरू हो सकती है। नानो घर जाने वाला प्लान कैंसिल हो चुका है, इंशाल्लाह फिर टाइम मिलेगा तो जाएंगे। तो आपको पता है पीछे से घर मेहमान भी आ रहे हैं, तो अभी असल में ना मेहमानों के खाने की तैयारी जो है वो करनी है। अभी हमने भाई सिटी जाना है, वहां से एक तो चिकन लेके आना है, दूसरा टमाटर मिर्ची वगैरह वो चीजें लेके आनी है, सारी मेहमान आ रहे हैं। इससे पहले हमने जो सारी चीजें दी थी लेकर आपको खत्म हो चुकी है, दोबारा लेनी पड़ेगी। आप रेट महंगे हो गए कि सस्ते हो गए या पुरानी चीज़ें पड़ी हुई जो सब्जी होती है ना वो 2-3 दिन छुट्टी होती है, आप शायद मेरे पास ही मिले बता देता, मेरे ज्यादा रहेंगे अगर पुरानी पड़ी तो थोड़ी देर। तो चलते हैं अभी सिटी, सिटी से ये सारा सामान ले आते हैं और उसके बाद मेहमानों के लिए खाने की तैयारी जो वो करेंगे। असल में मैं आपको बता दूं, पहले भी पता चल गया होगा लेकिन आप फिर बता दो, असल में आ रही है फुफ्फो लोग, अब्बू जी के सिस्टर आ रही हैं, तो सिटी अभी आ चुके हैं, तो इधर से अभी ना सामान जो खरीद लेते हैं, कुछ सब्जियां जो है वो भी यहाँ से खरीदनी है और इसके अलावा और भी कुछ सामान खरीदना है। अब सब्जी के अलावा और क्या खरीदना था? जी जो सिटी से सामान लेके आना था ना खाना तैयार करने के लिए मेहमानों के लिए, तो वो सारा सामान अभी लेके आ चुके हैं। इधर है जी टमाटर, अदरक, सब्ज मिर्चे, खीरे और ये रहा जी चिकन, तो ये कुछ सामान जो है लेके आना था। अभी थोड़ी देर तक ना खाना जो है बनाना शुरू करते हैं और थोड़ी देर तक हमारे मेहमान जो है ना वो भी आ जाएंगे। तो मेहमान घर पहुंच चुके हैं। हाँ जी आप आ गए बिल्कुल। हाँ जी अच्छा, तुझे खाली हाथ है, बोतल ना ले आनी है।
अच्छा बोतल अच्छा जी अगर इतना कोट ड्राइवर आए तो घर पानी की बाल्टी भरी आवनी आए सारे चपा रहे पीती रखो रोटी लाल लाई आई असि ला छी शर्म भांडे बाकी ईद तो बाद में अच्छी गुजर गई रोजे कैसे गुजरे हैं हाँ मौसम भाई बहुत ही हाँ मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था बारिश कभी हो जाती थी कभी बादल बन जाते वैसे रमजान का महीना ना इस बार बहुत ही अच्छा गुजरा है आज भी बादल बने हुए हैं एक तो बारिश है हमारे यहाँ आ रही माशाल्लाह वो भी अलग ही रहमत है दूसरी बेटी भी आ गई वो भी अलग ही रहमत है माशाल्लाह माशाल्लाह चल माशाल्लाह चल सही बात है तकाफ से मिसबा बैठी है उठा आई आपे उठते आ गई है चल भाई माशा बड़ी खुशी की बात है अंदर बनने जाने उठाई तो मैं आखिरी दवाई मंगनी है फुलां का हार पाओ मैं मार ला चल भाई वैसे मजाक कर रहे हैं वैसे खुशी की बात है तो हाँ जी हाजी साहब लाए गए उसे आपकी फुफ्फू बैठी है भाई इधर देखे माशाल्लाह कब्जा करो 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 हम तो वैसे भी जा रहे हैं आपको पता है आप रहे ना टूर पे हम तो भाई जा रहे हैं बहुत दिनों से ना मैं ये कह दो दिनों के बाद जा रहे हैं इंशाल्लाह बस आप दुआ करेंगे खैर हकीकत में जा रहे घर बार छोड़ दिया बीवी बच्चे सब छोड़ दे मुबशर को भी साथ लेके जाना है साहब एक चले सी देखने नाल पैसी जो ठक पर चले सी तुसी वेख्या हां महीने डेढ़ तो बाद असि पड़े से अपनी मंजिल मकसूद इंशाल्लाह बड़ी खुशी माशाल्लाह रमजान का महीना देखे कि मैं रमजान का रहमतों वाला महीना देखे कितनी अल्लाह ताला की उसमें नेमतें होती हैं इंसान ना पूरा साल गलती कुताही कर लेना तो इस महीने में ना सारी गलतियां कुताही जो है वो धुल जाती हैं इसी तरह बात है ना रोजे रखने से तो माशाल्लाह ये महीना बरकतों वाला है तुम्हारी खिदमत वास्ते ना रत्ता रत्ता शरबत लाया आंदा पियो जी एंजॉय करो ठंडा ठंडा हाँ दिली सुकून आप पानी पियो और इंजॉय करो हाँ अच्छा एक मजे की बात और भी मैं आपको बताना भूल गया हूँ वो ये है कि भाई आपकी भाभी जा रही थी आज मेके मुबशर ने भी तैयारी कर ली थी हाँ। जब आपकी खबर मिली भाई आसिया आ रही है घर तो फिर हमने अपने मेके आ रहे फिर हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है हाँ जी हाँ जी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरी बेगम का उसने सबर का मुजाहरा किया है इतना कुछ किया है हाँ आपने मेके को छोड़ दे तो मेरी खातिर कर रह गई ढेर सारा शुक्रिया अदा किया कर ताई तो बोतल नहीं कर लाया चल हो पीवा हाँ ठहर जाए चलो ठीक है वैसे मजाक कर रहा हूँ सीरियस नहीं लेना मेरी गलों सीरियस लेना ही नहीं इधर आ चुके हैं कच्चे किचन में जैसा कि आप देख रहे हैं मुबशर के हाथ में चावल है भिगोए हुए कच्ची बासमती पक्की है कच्ची है और इधर पर बेगम बैठी है मसाला भून रही है और इधर चिकन पड़ा है तो भाई आज बिरयानी तैयार की जा रही है मेहमानों के लिए अभी इधर मैं आ चुका हूँ इधर आपने हाथ में देख लिए होंगे चावल तो चावलों को ना पहले भिगो के रखा हुआ दरअसल मैं आपको पता है मेहमान आए हैं फुफ्फू लोग आए हैं उन्हीं के लिए खाने की तैयारी जो है ना वो हो रही है तो पहले सामान हम लेके आए थे तो उसी सामान से बिना इधर पुलाव जो है ना वो भी नहीं तैयार कर रही है तो सबसे पहले तो पुलाव बनाएंगे और देखते हैं और क्या खाने में बनाएंगे सालन बनेगा रोटी बनेगी यही चीज़ होती है जो डेली रूटीन में पहले भी हम आपके साथ शेयर करते आते हैं लेकिन स्पेशली आज अम्मी जी ना पुलाव जो है ना बना रही है फुफ्फू के लिए ये चावल जो है ना ये भी इधर डालने अभी नहीं डालने अभी उसको धोनी लगेगी मसाला बनेगा और उसके बाद फिर चावल डालने हैं तो अभी इन चावलों को मैं रख लेता हूँ साइड पे वो बाकी भी अम्मी जी चावल जो है वो बना रहे हैं पुराने जो हमारे साथ आए हुए थे पुराणों को भी हमने इधर शामिल कर लिया ताकि वो पुराने जो है ना हमारी हेल्प करें साथ साथ रायता जो है ना वो भी तैयार कर रहा है वो रायता तैयार कर रहा है हाँ नन्हे मुन्ने हमारे मेहमान खड़े हैं ये मेहमान नहीं है ये सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर ही हैं हाँ जी हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता कि मेहमान आते हैं और काम शुरू कर देते हैं वो बिरयानी के लिए मेरे ख्याल में रहता तैयार कर रहे हैं बड़ी गल है इसी तरह ना मेहमान आवे तो काम ते ला देते काम ते
चला। आज जुम्मे का दिन भी है, जुम्मे की नमाज भी पढ़नी है, तो तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। बस अभी जुम्मे का टाइम जो वो भी होने वाला है, एक घंटा रह गया, जुम्मे भी जाना, जुम्मे की तैयारियां कर लेते हैं। और यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको मेहमानों से भी मिलवा दिया, तो माशाल्लाह से मेहमान जो भी है, मेहमान ना शाम को घर जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी खाना बनेगा, अभी खाने बनने में भी काफी टाइम है, खाना खाएंगे और जब थोड़ा सा धूप ढल जाएगी ना उसके बाद यहाँ से ना निकलेंगे। और उधर शहरी भी खड़ा है, सैकड़ी को चला रहा है वो, देखो शहरी। तो जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है ना, शहरी जो है ना अपने टॉयज लेके ना पहुंच जाता है जी, सीधा मेहमानों के पास जाते, शरीज आता है ना सारे घर के टॉय ना बेड पे बिखेर देता है शरीज के पास जाके। माशाल्लाह से एक अलग ही खुशी होती है जब मेहमान घर में आते, इसलिए तो कहते हैं मेहमान बरकत होती है, रहमत होती है। हाँ, रहमत होती है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई वीडियो लाइक करें, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलते जाए। एक नई वीडियो के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।